नमस्कार, स्वागत आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूँ श्याम सुंदर। मैं भी भारत कार्यक्रम में आजकल हम गुजरात के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम महीसागर ज़िले में हैं, गुजरात के, जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, और यहाँ से हम चलेंगे अरावली ज़िले के लिए। वहाँ पर हम बात करेंगे डूंगरी गरसिया आदिवासियों की, जानने समझने की कोशिश करेंगे उनके जीने के अंदाज़ को, उनकी संस्कृति को, और क्या हैं उनके जीविका के मुद्दे। साथ ही साथ विस्थापन के मुद्दे की भी बात होगी। गुजरात के महीसागर जिले में कडाना बांध है। बांध से बिजली उत्पादन होता है। इसके अलावा बांध से निकली नहर से सिंचाई के लिए पानी खेतों तक पहुंचता है, लेकिन नहर का ये पानी आदिवासी किसानों के खेतों को नसीब नहीं होता। महीसागर और दाहोद के आदिवासियों को इसका बड़ा मलाल है। उनका कहना है कि इस बांध को बनाने में जमीन और जंगल तो आदिवासियों का गया और पानी गैर आदिवासियों के हिस्से में आया। महीसागर और दाहोद के आदिवासियों की इन शिकायतों को सुनने के बाद हम यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर अरावली और साबरकांठा जिले की तरफ बढ़ चले डूंगरी गरासिया आदिवासियों से मिलने। यहां हमारी पहली मंजिल है भिलोड़ा तहसील। रास्ते में राजस्थान के उदयपुर जिला की सीमा से सटे इस इलाके में मशहूर श्यामला जी मंदिर है। यहाँ पर आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही आते हैं। मंदिर के आसपास छोटा सा कस्बा है और ऐसा लगता है कि इस कस्बे के लोगों की जिंदगी इस मंदिर के सहारे ही चलती है। कस्बे की दाईं तरफ मैशवो बांध है। इस बांध से राजस्थान और गुजरात के पहाड़ों से आने वाला पानी रोका जाता है और सिंचाई के लिए खेतों तक ले जाया जाता है। कुछ इलाकों में पीने का पानी भी इसी बांध से जाता है, लेकिन इस बांध का पानी भी आदिवासियों को नहीं मिलता। ऐसी शिकायत यहाँ के आदिवासी करते हैं। श्यामला जी से निकलकर हम भिलोड़ा तहसील पहुंच गए। गरासिया आदिवासियों को पहचान के मामले में तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा राजपूत गरासिया, दूसरा डोंगरी गरासिया और तीसरा हिस्सा भील गरासिया कहा जाता है। हम जिन गांवों या फलिया में गए, वो आदिवासी अपने आप को डोंगरी गरासिया आदिवासी मानते हैं। यहाँ आपको बता दें कि फलिया का मतलब है कि आदिवासी गांव काफी लंबे चौड़े इलाके में फैले होते हैं और आमतौर पर कुछ कुछ दूर पर दो चार घर बनाए जाते हैं और इन्हें फलिया कहा जाता है। ये सब डूंगरी गरासिया है? सभी डूंगरी गरासिया। डूंगरी गरासिया आदिवासियों से मिलने हम सबसे पहले पहुंचे रामपुरी गांव, जो भिलोड़ा तहसील में है। यहाँ के आदिवासियों से उनके रीति रिवाजों और परंपराओं पर कुछ बात हुई। डूंगरी गरासिया आदिवासियों की शादी में लड़की को पटरे पर बिठाकर जिस तरह से घूम घूम कर नाचते हैं, वो कुछ कुछ बंगाली शादियों से मिलता जुलता है। इसके साथ ही डूंगरी गरासिया संस्कृति की कुछ और झलक भी हमें देखने को मिली।
अगले दिन हम भिलोड़ा से विजयनगर तहसील की तरफ निकले। यहाँ पर एक और डोंगरी गरासिया आदिवासियों का गांव है आमोदरा। यहाँ कुछ घर सड़क के किनारे ही बने हैं, लेकिन ज्यादातर घर बाकी आदिवासी इलाकों की तरह अरावली पहाड़ी पर दूर दूर हैं। यहाँ के लोग हमें गांव में 1970 के दशक में बने बांध को दिखाना चाहते हैं। इस बांध तक पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना होगा, क्योंकि रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ है। इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए अचानक भात की खुशबू आने लगती है। हमने हमारे साथ चल रहे लोगों से यूं ही कहा कि लगता है कहीं भात पकाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि दरअसल ये खुशबू किसी घर से नहीं बल्कि एक धान के खेत से आ रही है। धान की इस नस्ल को यहाँ कोमुद कहा जाता है। यहाँ के किसान इस धान की खेती अपने घर के लिए ही करते हैं, क्योंकि फसल के लिए जितनी पानी की जरूरत है वो पानी इन्हें नहीं मिल पाता है। बोलते बतियाते और हाँफते हम इस बांध पर पहुंच गए। बांध के ऊपर जाकर पता चलता है कि उसके पीछे कई किलोमीटर तक तालाब है, लेकिन उसमें पानी का नामोनिशान नहीं है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन गर्मियों में जब पानी की जरूरत होती है तब तक सारा पानी लीक होकर बह जाता है। एक बार ऐसा भी हो चुका है कि ज्यादा पानी आया और ये बांध टूट गया और किसानों के घर और फसल सब बह गए। आप जो कह रहे हैं कि पानी लीक हो जाता है, ये तो देखने में तो बहुत मजबूत लग रहा है। मजबूत तो लग रहा है, लेकिन फिर भी अंदर जो काम हुआ है ये ऊपर ऊपर मजबूत लग रहा है। नीचे पत्थर डाल के खाली ट्रैक्टर के ट्रैक्टर पत्थर डाल दिया है और ऊपर से फिर किया है, इसलिए वो पत्थर की वजह से नीचे माल वगैरह गया नहीं है। अंदर का भाग पूरा खोखला है। हाँ, खोखला है, इसके वजह से पानी निकल के 20 भी निकल जाते। तो आप लोगों ने कभी इसके मरम्मत का काम नहीं करवाया? मरम्मत का किया था, तो ये दीवार वगैरह बनाया था, उसी वजह से दोबारा बना के गए थे। बनाया तीन महीने में गिर गया। कब बना हो गए? 2012 में बनाया था। 2012 में और 13 में टूट गया बारिश आते टाइम पे। अच्छा, बारिश भी पूरा नहीं आया था, थोड़ा ही बारिश आया था, ये दीवार पूरा अंदर के भाग में गिर गया। अच्छा, अंदर की मजदूर काम करते थे वो तो अच्छा हुआ, उस टाइम मजदूर थोड़ा बाहर निकल गए थे तो मजदूर मर जाना था। अच्छा, ये बना कब था डैम? 1978 में बना था। अच्छा, और 2006 में टूटा। 2006 में टूटा, तो इससे सिंचाई होती है? सिंचाई नहीं होती है, क्योंकि पानी पानी भरता है, लेकिन 2-3 महीने में सब लीकेज हो जाता है। सब लीकेज हो जाता है, नहीं मतलब 1978 से ये हाल है इसका? हाँ, वो उसी टाइम से ही हाल है। उसी टाइम से ये हाल है। और तो आपने कभी प्रशासन वगैरह को कहा नहीं कि भाई इसका मजबूत काम कीजिए? प्रशासन ने किया है, हमने सब वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किया हुआ है, एक हमारा भाई है उसके पास सब रखा हुआ है। हाँ। और हम मुख्यमंत्री तक तो डायरेक्ट मिलकर आए हैं, उन्होंने बोला था कि ये काम करेंगे, अभी बोले हैं इस अभी जल्दी इस दो समस्या तो निकल गया। हाँ। इस समस्या के बाद अभी करेंगे, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है, इसे आप विडंबना भी कह सकते हैं, कि एक तरफ आदिवासियों के विरोध के बावजूद उनको विस्थापित कर सरकार ने बड़े बड़े बांध बनाए और उनसे पानी राज्य के दूसरे हिस्सों में पहुंचाया, दूसरे राज्यों में पहुंचाया, बिजली बना के शहरों को उन्होंने भेजी। लेकिन यहाँ पर इस विजयनगर तालुका में यहाँ के आदिवासी किसान 1978 से इस बांध से मिलने वाले पानी के इंतज़ार में हैं। विजयनगर तहसील के इस गांव से निकलकर हम महुआ का जंगल देखने निकले। महुआ के इस जंगल में करीब 10,000 पेड़ हैं। कहा जाता है कि भारत में महुआ का ये सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन महुआ पर आधारित कोई उद्योग नहीं होने से यहाँ के आदिवासियों को महुआ का फल व्यापारियों को बेचने के अलावा कोई उपाय नहीं है। व्यापारी आदिवासियों से मनमाने दाम पर यह फल खरीद लेते हैं। आपके कितने पेड़ महुआ के? हमारे तो दो तीन पेड़ है। क्या क्या करते हैं महुआ का? बेच देते हैं। अच्छा,
क्या भाव बिकता है? 500 रुपये किलो का, 1 kg का 40 रुपये। महुआ के इस जंगल में भी कई आदिवासी गांव हैं। इनमें से ज्यादातर गांवों से लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कुछ लोग लौट आते हैं इस मौसम में अपने खेतों में फसल पैदा करने के लिए। कुछ आदिवासी किसानों ने पंप सेट लगाए हैं, लेकिन पानी का स्तर इतना नीचे है कि पंप से बामुश्किल कुछ पानी निकलता है। पानी का प्रेशर बेहद कम होता है। डूंगरी गरासिया आदिवासियों के जिन गांवों में हम गए वो अरावली जिले में हैं, और पहाड़ी इलाके में पानी पहुंचाना कठिन काम है। लेकिन इन आदिवासियों का कहना है कि सरकार ने इनके इलाकों में बांध बनाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर के इलाकों तक पानी पहुंचाया है, तो इन आदिवासियों को पानी क्यों नहीं दिया जा सकता? रोजगार के किसी और वैकल्पिक साधन की गैर मौजूदगी में खेती ही इन आदिवासियों के जीने का सहारा है, या फिर शहरों की तरफ पलायन, और पलायन की अपनी कीमत है। यहाँ के आदिवासियों की शिकायत है कि उनकी जमीन लेकर उन्हें विस्थापित करके जो बांध बनाए गए हैं उनसे उनको पानी नहीं मिलता है, बल्कि वो पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर गैर आदिवासी इलाकों में जाता है, और जो आदिवासी इलाकों के लिए ज़रूरी बांध हैं उनकी मरम्मत तक नहीं कराई जाती। और आज भी ये मेहनती आदिवासी किसान साल में एक ही फसल ले पाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इन सारे मसलों को और सुलझाने और जानने समझने की कोशिश करेंगे। भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य में जाओ, जो डैम बने हैं, तालाब बने हैं या विस्थापित हुए हैं, वो आदिवासी की ही जमीन है। बिन आदिवासी की कोई भी जमीन ऐसी नहीं गई है कि उसमें तालाब बने हो। विस्थापित करके आज तक कोई मुआवजा भी नहीं मिलता, जमीन भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं भी भारत का ये सफ़र लेकर आजकल हम गुजरात में हैं, और कई आदिवासी ज़िले घूमने के बाद आज हम पहुंचे हैं गुजरात के साबरकांठा ज़िले के विजयनगर तालुका में, और यहां पर हम बात करेंगे कि आदिवासियों की ज़मीन लेकर जो बांध बनाए गए हैं उसके बावजूद आदिवासियों के खेत प्यासे क्यों हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे बाईं तरफ से आपको परिचय करवाते हैं, जुएल निनामा साहब हैं जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ ही बैठे हैं गलजी भाई जो एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ नलिन भाई बैठे हुए हैं जो पाल ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गलजी भाई। उनके साथ साथ ही बैठे हुए हैं दिलीप निनामा साहब जो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ही बैठे हैं क्रीट खराड़े साहब जो भारतीय आदिवासी अधिकार पंच के कार्यकर्ता हैं, प्रोमिनेंट नेता हैं यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आदिवासी नौजवान और बाकी आदिवासी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जुएल साहब, आपके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। एक बांध के बारे में, हम एक गाँव में गए थे जहाँ पता चला कि 1978 से आज तक वो बांध बना है लेकिन उसकी रिपेयर नहीं हुई है। आपने लगातार आरटीआई की है, क्या पता चला, क्या वजह है कि इतने सालों से उसकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही? उसमें सर ऐसा है कि हमने जो आरटीआई जो एप्लीकेशंस करके जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है उससे ये पता चला है कि बाकी गुजरात में जो बांध है जो ट्राइबल एरिया के अंदर है उसका पानी नॉन ट्राइबल एरिया को मिलता है, जबकि ये जो बांध है आमोदरा तालाब है तो उसका जो बेनिफिशियरीज है, जो लाभार्थी है, वो 100% आदिवासी है। तो उसमें गवर्नमेंट का और उसके जो अधिकारी है, ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनका जो रवैया है वो थोड़ा नेगेटिव रहता है जी। दूसरी बात यह है कि उसमें करप्शन ज़्यादा रहता है। तो 1978 में जब ये बना गया था तो उसकी लागत थी
15 लाख की है। तो उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी बहुत कुछ खामियां रह गई, उसकी वजह से पानी लीकेज हो रहा था। 2006 के साल में ऐसा हुआ कि बारिश थोड़ी ज़्यादा आई, पानी थोड़ा भरा, उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा ऊपर आया, तो उसके जो प्रेशर से जो लीकेज था तो लीकेज का जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया, उसकी वजह से वेस्टवेयर टूट गया पूरा। वेस्टवेयर टूटने के वजह से क्या हुआ, आमोदरा और मऊतपुरा दोनों गांव बह गए, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ। गवर्नमेंट की ओर से बहुत कम रुपए, ऐसा कहा जाता है तो कई लोगों को 250 रुपये तक का जो मुआवजा मिला, बाकी लोगों को बहुत कम लोगों का मिला। तो उसके लिए भी हमने ह्यूमन राइट्स तक भी हमने एप्लीकेशन वगैरह सब करके रिप्रेजेंट भी करवाया था। मैं आपको रोक रहा हूं, संक्षेप में बताएं कि अभी क्या स्थिति है। अभी अभी दूसरी बार जब ये बनाया 2006 के टूटने के बाद तो 1,65,00,000 रुपए का मंजूर हुआ, 2,05,00,000 रुपए का तक लागत हो गई, फिर भी लीकेजेस नहीं बंद हो रहे थे। तो हमने वो जो काम किया उसमें जो फोटोग्राफ्स लिए थे, जो सीढ़ी बना के अभी गांधीनगर तक भेज दी थी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर चीफ इंजीनियर तक, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो वो फिर से लीकेज होने लगा। उसके बाद 2013 में वो फिर से टूट गया, विंग वॉल उसकी टूट गई। उसके बाद फिर से हमने एप्लीकेशन किया और सब बहुत रिप्रेजेंटेशन किया गांव की ओर से, तो अभी 1,36,00,000 रुपये मंजूर हुए हैं 2014 में। उसके बाद 2 मानसून आ गए लेकिन काम नहीं हुआ है, अभी तक भी वो काम ऐसी पोजीशन में पड़ा हुआ है। गल जी भाई, आपके पास आना चाहूँगा। हमने जिस बांध की बात जुएल भाई कर रहे हैं, हम खुद वहाँ पर गए, वहाँ गांव के लोगों से मिले और उन्होंने कहा कि पानी जो जब पानी की ज़रूरत होती है, अभी तो बरसात है तो एक फसल बरसात के भरोसे हो जाती है, लेकिन जब गेहूं की फसल या सर्दियों में जो फसल होती है उसके लिए जब पानी की ज़रूरत होती है, गर्मियों में जब पानी की ज़रूरत होती है, तब तक वो सारा पानी लीक होके बह जाता है। कितने गांव, कितनी आबादी प्रभावित होती है? अगर पानी भर जाए तो दो गांव के जो जनसंख्या है, दो गांव के जितने भी आदमी हैं सबको वो प्रभावित करता है। पानी मिल जाता है, लेकिन जब पानी रहता नहीं तो मिलता नहीं है, तो उस वजह से जो फसल होनी चाहिए वो फसल कर नहीं पाते हैं। कुएँ वगैरह कुछ बोर वगैरह है, लेकिन इतना उनकी इनकम नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोर भी नहीं बना, हर आदमी बना नहीं पाता है, तो जो फसल होनी चाहिए वो होती नहीं है। तो फिर मजबूरी में मजदूरी वगैरह करते हैं, उससे कुछ इनकम हो जाती है वो कर लेते हैं, बाकी तो सब नहीं कर पाते। नलिन भाई, आपसे बात करना चाहूँगा, क्या आपने कभी जिला पंचायत में या राज्य के स्तर पर ये बात उठाने की कोशिश नहीं की कि जिन छोटे बांधों से आदिवासियों का फायदा हो सकता है वो बांध नहीं बनाए जा रहे हैं, और बड़े बांध जो बनाए जा रहे हैं उनसे गैर आदिवासी क्षेत्रों में पानी दिया जा रहा है जबकि जमीन आदिवासियों की जाती है? ये जो झील बांधा है उसका जब भी काम होता है बहुत पुअर काम होता है, और दूसरी बात ये है कि उस ज़माने में अमर सिंह भाई चौधरी साहब था हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे जी। तो वो अपने साथ जियोलॉजिस्ट लेके यहाँ पर आए थे जी। उन्होंने जो उनके सामने जो पत्थर है, स्टोन है बड़ा, उस स्टोन को बताया जियोलॉजिस्टों, तो उसने बताया कि ये जो स्टोन है बड़ा पोलान वाला है जिससे पानी उसी से बह जाता है। और दूसरी बात है, जो लोग बांधने आते हैं वो पूरी तरह से पूरे जो माल है माल का इस्तेमाल नहीं करते, कच्चे माल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो इफेक्टिव एरिया है उनको जो दिक्कत पड़ती है इस सीजन में, रेनी सीजन में जो पानी बहने से हर साल जो खेत है खेत मिट जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं। ये लोग 2006 से अभी खेत बना रहे हैं, तो हमारी विनती है कि आप हमारे ये रिपोर्ट है आगे बढ़ाकर ये तालाब बहुत अच्छा बने। जी जी, जरूर कोशिश करेंगे कि राज्यसभा टीवी के माध्यम से आपकी ये बात पहुंचे, जिन लोगों को ये काम करना वो करें। दिलीप साहब, क्या वजह है कि जो बांध बनाए गए वो उसमें ज़्यादातर में आदिवासियों की ज़मीन गई, वो विस्थापित हुए, उनके खेत डूबे उसमें, लेकिन पानी जो है वो गैर आदिवासी क्षेत्रों में जाता है, सौराष्ट्र तक पानी जाता है, क्या कारण है? क्या राजनीतिक हस्ती कमज़ोर होने की वजह से आदिवासियों की नेतृत्व की कमी है? क्या वजह है कि आदिवासियों के ज़मीन पर बने बांधों का पानी आदिवासियों को नहीं मिल रहा है?
कमजोर नेतृत्व, राजनीति में जो कमजोर नेतृत्व है, नेतृत्व की वजह से ही आज आदिवासी समाज, पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समाज ये भुगत रहे हैं। भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य में जाओ तो हर जगह जो डैम बने हैं, तालाब बने हैं या विस्थापित हुए हैं, वो आदिवासी की ही ज़मीन है। बिन आदिवासी की कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं गई है कि उसमें तालाब बने हो, और उस तालाब बने विस्थापित करके आज तक कोई मुआवजा भी नहीं मिलता, ज़मीन भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ से 200 किलोमीटर तक कच्छ भुज में जा सकता है, राजस्थान में कैनाल बना के जा सकता है पानी, तो पास के गांव में आदिवासियों के लिए पानी नहीं है। क्रीड खराड़े साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। एक दाहोद के गांव में हम गए, हमें बड़ी हैरानी हुई जब हमने उनसे पूछा कि आप एक ही फसल क्यों लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप फसल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई महीने ऐसे होते हैं जब लोगों के पीने के लिए पानी नहीं होता है, ये स्थिति यहाँ पर है, और बांधों के लिए विस्थापित आदिवासी हो रहा है। क्या आपने कभी कोशिश की है कि जो वायदे किए गए थे आदिवासियों को बांध बनाते वक्त, वो वायदे पूरे किए जाएं? आज तक जितने भी डैम हमारे एरिया में हुए हैं, वहाँ से हमारे ही लोग विस्थापित हुए हैं। जहाँ भी जाओगे तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इस योजनाओं को लागत करने की इस सरकार की मंशा होती नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोगों का वोट लेने के लिए वो बजट बनाते हैं, और बजट में दिखा देते हैं कि भाई ये आदिवासी के लिए इतना 1000 करोड़ रुपया हमने बजट दे दिया है, मगर वो काम करने की वो उसकी जो इच्छा शक्ति है बिल्कुल उसमें होती नहीं है, और लोगों को बहुत परेशानियां, स्वास्थ्य के हिसाब से देखो, शिक्षण में देखो, सभी जगह पे यही हालत है। ऐसे अकेले पानी में ऐसा नहीं है, पानी का तो एक ये मुद्दा यहाँ आपने राइज किया है इस हिसाब से, बाकी आप देखोगे स्वास्थ्य में भी ये हालत है, शिक्षा में भी ये हालत है, श्रम मंत्रालय में आप देखोगे तो हमारे लोगों को जहाँ भी काम करने के लिए जाते हैं तो डिलीवरी के बाद 2 के 3 दिन के बाद वो जो बहन होती है उसके के लिए काम के लिए जाना पड़ता है। शायद सही मुद्दा उठाया, क्योंकि शिक्षा की अगर बात करें तो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है आदिवासी इलाकों में। अगर आप रोज़गार की बात करें तो हम दाहोद में थे तो दाहोद के बस स्टैंड पर हमें पता चला कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकम पूरे राज्य में होती, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग पलायन करके जाते हैं मजदूरी करने के लिए। आप लोगों की तरफ हम लौटेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप एक बार खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? विक्रम प्रसाद धर्मदास शर्मा। तो विक्रम प्रसाद जी, ये बताइए कि इस इलाके में पानी की क्या व्यवस्था है सिंचाई के लिए? पानी के व्यवस्था खास करके कोई लगता नहीं, क्योंकि अत्यारे खाने के दांत और हो जाए, दिखाने के और हो जाए, वो खरी है क्या बोलो, 75% तो खाने वाला खाई जाए से, 25% में काम थाई से। क्या नाम है आपका? इमानुएल। इमानुएल साहब, ये बताइए कि यहाँ पे क्या कोई नहरें बनाई गई हैं, कैनाल बनी हैं सिंचाई के लिए, क्या उनमें पानी आता है, कितनी क्या क्या फसल लेते हैं? नहरों तो यहाँ से खोद के बनाई, लेकिन अभी तक पानी नहीं, फिर नहरों में जावे कैसे? तो नहर में नहर कब बनी थी, कितने साल हो गए नहर बने हुए? 1-2 बरस से, दो तीन बरस से चलती है, लेकिन कुछ होता नहीं है आगे काम। मेरा ये कहना है कि 2006 में जब ये तालाब टूटा तो इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, मैं और सरपंच और हमारे दूसरे साथी थे, सब लोगों को हिल पे ले गए, सब जानवरों को ले गए, तो उस वक़्त से मतलब वापस नहीं बन रहा है। एक बार बनाने की कोशिश अच्छा नहीं बन रहा है, तो लीकेज तो चालू ही है, तो जब मॉनसून आता है लोग डर के मारे जीते हैं, एक फियर रहता है कि आज रात को टूट जाएगा, ये सब बह जाएगा। तो माय अपील टू यू एंड द गवर्नमेंट इज क्या है कि यू डू इट राइट। तो जुएल साहब, ये बताइए, लोगों का कहना है कि जब पानी आया, ज़्यादा पानी आया तो बांध टूट गया और बाढ़ की स्थिति बनी, लोगों की फसलें बर्बाद हुई, लोगों का नुकसान हुआ, रास्ते बह गए। आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे आपका क्या अनुभव है, कितना आसान है आप जैसे लोगों के लिए सूचना एकत्र करना? गवर्नमेंट योजनाएं बना देती है लेकिन कर्मचारी नहीं होता, जब कर्मचारी नहीं होता तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, तो पूरी तरह से जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, गवर्नमेंट अपनी योजनाएं हैं वो दिखाने के लिए प्रेशर मारती है, प्रेशर करने की वजह से वो जो अधिकारी लोग हैं वो सिर्फ पेपर पर चलते हैं, पेपर पर बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती है। आरटीआई एक्टिविस्ट की वजह से क्या होता है कि कुछ पे हम जब पूछते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन जब दिया है तो उसका स्टेटस क्या है, तो गवर्नमेंट में ऑफिसर है तो ऑफिसर ज़्यादातर क्या करते हैं
कि चलो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप क्या क्या कंप्लेंट है। कई बार ऐसा होता है और ऐसा फेस भी करना पड़ता है, जो कमज़ोर दिल का होता है और जिसका डिटर्मिनेशन कम होता है तो वो वहीं वाइंड अप कर देता है, लेकिन जो स्ट्रांग होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए और ये करना ही है तो वो आगे बढ़ता है। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि आरटीआई इफेक्टिव औजार जरूर है, जरूर लेकिन है, एक तो उसमें समय लगता है जी हाँ। और दूसरा उसके लिए आपको बहुत डट के काम करना पड़ता है, आम आदमी के लिए शायद वो संभव नहीं है। कई और मुद्दों पर हम चर्चा कर सकते थे लेकिन क्योंकि समय की कमी है ये कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं हम अपने अनुभव से, जमीन में हम यहाँ के कम से कम 7-8 आदिवासी जिलों में हम घूमे हैं जहाँ पर आदिवासी आबादी है, बड़े स्तर पर यहाँ से माइग्रेशन होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये आदिवासी एक ही फसल ले पाते हैं। एक गाँव में बहुत ही हैरान करने वाली एक आदिवासी बुजुर्ग ने एक बयान दिया जो बात कही हमें जिसको सुनकर हैरानी हुई, दाहोद जिले का वो गांव था, उन्होंने कहा कि हम यहां से मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं, और जब हमने कहा कि आप तो गुजरात में ही हैं तो उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र ही असली गुजरात है, ये आदिवासी इलाकों में ये ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको आप गुजरात के विकास से जोड़ सकें। तो ऐसी स्थिति क्यों है, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, और इस उम्मीद के साथ कि यहां पर जो मौजूद आदिवासी हैं इन्होंने जो उम्मीद जताई है कि राज्यसभा टीवी के माध्यम से उनकी बात उन लोगों तक पहुंचेगी जिनकी जिम्मेदारी है यहां पर विकास लाना, यहां पर सिंचाई के साधन लाना, रोजगार के साधन लाना, उन तक वो बात पहुंचेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं भी भारत की पूरी टीम आपसे अनुमति लेती है, नमस्कार।